सोलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सूरज, स्वागत है आपका मिस्टर प्राइड चैनल में। एंड गाइस, बात करने वाले गेल इंडिया की, जो कि हमने आपको एक दिन पहले यहाँ पे बाइंग की रिकमेंडेशन की थी। एंड टारगेट इसका 140 लेके आपको बताया था, और बताया था कि बड़ा विस्फोट होने जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपको मैंने एक दिन पहले ही बता दिया था, और रिजल्ट आपके सामने है। यहाँ पे 144 पे करेंटली ये शेयर चल रहा है, और आज भी मैं वीडियो बना रहा हूँ और आज ही मैंने बाइंग की है। ऐसा भी नहीं है कि मैंने कल ही कर ली थी, क्योंकि मेरे पास थोड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं थी। मैंने जो अपनी मदर एंड सन के शेयर्स थे वो सेल किए, एंड अदानी पोर्ट्स के शेयर थे वो सेल किए, क्योंकि हमारा वीकली जो वीक है वो कंप्लीट हो गया है और टारगेट्स हमारे अचीव हो गए हैं। तो आज जो है हमने अदानी पोर्ट और मदर एंड सन से निकाले पैसे, सो हमने जो है गेल इंडिया में लगाए हैं। सो यहाँ पे मैं आपको ग्रो एप्लीकेशन में लेके आया हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, 140 में मैंने बाइंग की है, और लगभग अभी करंटली जो है 144 के करीब चल रहा है। यहाँ पे देखिए 144.55, और लगभग यहाँ पे 7.5% का अप देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे पॉइंट्स की बात करें तो 10.10 का अप देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे गेल इंडिया, यहाँ पे आपको टॉप गेनर्स में भी नाम शुमार होते हुए नजर आ रहा है। ठीक है, काफी शानदार शेयर है। सारा कुछ इसके बारे में जान लेते हैं। इससे पहले अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। तो चलिए इस अच्छी सी वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, यहाँ पे वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ, मैंने आप लोगों के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप तैयार किया है, जो कि सिर्फ 500 मंथली में आपको फुल एनालिसिस करके देगा। कोई भी स्टॉक हो, कोई भी स्टॉक के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको, तो मैं जो है आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा। इंट्राडे की टिप्स दूंगा डेली, वो भी एक दिन पहले, मतलब आज जैसे ट्रेडिंग डे है तो उससे एक दिन पहले आपको आपके स्टॉक्स मिल जाएंगे। ठीक है, और 1 वीक के लिए भी, मतलब थर्सडे को शाम को मैं आपको 5 स्टॉक्स दूंगा 1 वीक के लिए, जो कि आपको टारगेट के साथ, एसएल के साथ मिलेंगे। एंड अगर जो है यहाँ पे कई लोग ऐसे होते हैं जो इंट्राडे प्रिफर नहीं करते हैं, जो मतलब इतना ध्यान नहीं दे पाते क्योंकि काम रहता है उनका, या फिर कुछ भी कारण हो जिस वजह से इंट्राडे में इतना मतलब टाइम नहीं दे पाते हैं, तो मैं आपको वीकली जो शेयर्स हैं वो दे दूंगा। तो कई न्यू लोग भी जुड़े हैं कोरोना काल में, जिनको ट्रेडिंग के बारे में अभी नॉलेज नहीं है, तो वो हमारे ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं एंड हम जो है उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोग व्हाट्सएप में जुड़ेंगे, या आपकी स्क्रीन में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। सो गाइस, आपके सामने अब मैं ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट खोली है। आज जो है यहाँ पे गैप अप से थोड़ा सा, हल्का सा गैप अप से ऑन हुआ, लेकिन अब देखिए क्या शानदार मारा इसने। 147 का अप यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और लो जो है आपको 138 का देखने को मिल रहा है, जो कि आपको मेरे को लगता है कि स्टार्टिंग में ही देखने को मिला था। उसके बाद जो है एक अप लिया, उसके बाद अभी तक कोई यहाँ पे डिप इतनी खास देखने को नहीं मिल रही है। थोड़ा सा अभी डिक्लाइन हो रहा है, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आएगी, बट यहाँ पे जो है शेयर ने शानदार किया है। और ये फर्स्ट ग्रीन कैंडल है गाइज, फर्स्ट ग्रीन कैंडल है, तो अभी जो है आग लगनी और बाकी है गाइज। यहाँ पे जो है मैं बाइंग की रिकमेंडेशन कर रहा हूँ आपको। ये डाटा हमारा पुराना था, क्योंकि हमारे टारगेट्स अचीव हो चुके हैं, तो इसे जो है हम हटाएंगे, अपडेट करेंगे इसे। ठीक है, तो सारा कुछ मैं आपको शाम को भी वीडियो लाऊंगा, पीएनबी पे भी वीडियो लाऊंगा, क्योंकि गाइज मैंने आपको देखिए, मैं अपने चैनल में लेके चलता हूँ, तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे देखिए आपको मैंने पीएनबी पे लगातार वीडियोस बना के समझाया है कि यहाँ पे 60 की तरफ लेवल, यहाँ पे देखिए एक दिन पहले 60 की तरफ जो है शेयर भाग रहा है। 42 का हमारा मार्क यहाँ पे कंप्लीट होते हुए नजर आ रहा है, एंड अभी भी मेरे को पीएनबी रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, काफी शानदार शेयर है। और बाकी आप लोग हमारी पुरानी वीडियोज देख सकते हैं, पीएनबी की हैप्पीएस्ट माइंड पे भी वीडियो बनाई थी, तो काफी शानदार ये शेयर लग रहे हैं मेरे को। बैंक ऑफ बड़ौदा काफी शानदार गया, एंड गेल इंडिया भी। ठीक है, सो प्लीज जाके हमारी पुरानी वीडियोस भी देखिए, एंड उनमें जो है आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। ठीक है, तो अब जो है मैं आपको इसके टारगेट्स, जो अगले टारगेट्स होंगे वो मैं आपको शाम को बताऊंगा, क्योंकि मैं अपने वीकली टारगेट्स भी अपने प्राइम मेंबर्स को देने वाला हूँ, तो उसमें जो है ये शेयर मैं जरूर से इंक्लूड करूंगा, तो उसके टारगेट्स वगैरह मैं आपको शाम तक दे दूंगा। ठीक है, वीडियो के माध्यम से। सो अभी हम लोग चलते हैं टिकर टेप में, एंड आपको यहाँ पे कुछ डाटा दिखा देते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे देखिए जो सारे सेगमेंट है, यहाँ पे ग्रीन इंडिकेशन दिख रहा है। चाहे बात करें करंट प्राइस की, तो अभी इंट्रेंसिक वैल्यू से कम है, रिटर्न आपको एफडी से काफी शानदार मिल रहा है, डिविडेंड आपको, बहुत कंपनी ऐसी होती है जो कि अच्छी अच्छी कंपनी होती है लेकिन डिविडेंड देने में असमर्थ रहती है, उसमें से गेल इंडिया नहीं है, आपको यहाँ पे डिविडेंड मिल रहा है। और मेन बात, यहाँ पे स्टॉक ओवरबोर्ड जोन में नहीं है, तो काफी शानदार ये शेयर लग रहा है।
एंड अगर हम लोग देखें कि कितने एनालिस्ट हमें जो है यहाँ पे बाइंग की रिकमेंडेशन कर रहे हैं, वैसे तो मैं ये डाटा बता चुका हूँ, एक बार न्यू जो हमारे सब्सक्राइबर हैं उन्हें बता दें कि 36 एनालिस्ट की राय है जिसमें से आपको 86% एनालिस्ट कह रहे हैं कि यहाँ पे बाय कीजिए। तो मैंने जो है यहाँ पे बाइंग की रिकमेंडेशन दी है आपको, आपको यहाँ पे बाइंग अपने अनुसार करना है, थोड़ा सा अपने लेवल पर एनालाइज कीजिए देन जो है बाइंग कीजिए। तो काफ़ी पॉजिटिव लग रहा है इंट्राडे के लिए, काफ़ी पॉजिटिव शेयर हो सकता है फॉर नेक्स्ट वीक। सो थैंक यू सो मच गाइस। Thank you.